दिलचस्प होने वाला है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव, विपक्ष ने एनडीए को दी टेंशन, होगा मंथन आज अहम मीटिंग। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और मोदी कैबिनेट 3.0 को शपथ ग्रहण के बाद पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन अब रसाकसी शुरू हो चुकी है लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई है, उसके बाद से बीजेपी को न सिर्फ एनडीए के सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना पड़ रहा है, बल्कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए भी जद्दोजहद करते हुए देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज शाम मंगलवार 18 जून को एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में लोकसभा स्पीकर के नाम को लेकर मंथन होगा। इसी कड़ी में बीते रविवार को भी राजनाथ के आवास पर संसद सत्र को लेकर बैठक हुई थी। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह और चिराग पासवान मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा हुई थी। लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर एनडीए ने सरकार तो बना ली है, लेकिन अब उसके लिए बड़ा काम है लोकसभा स्पीकर। बीजेपी नीत एनडीए के लिए यह किसी भी चुनौती से कम नहीं है। पिछली सरकार में तो कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने स्पीकर की गद्दी संभाली थी, लेकिन मौजूदा सरकार में अभी इस गद्दी पर कौन काबिज होगा, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना है। इसके अलावा स्पीकर पद को लेकर विपक्ष भी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए विपक्ष अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। विपक्ष इंतजार कर रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से स्पीकर पद के दावेदार को घोषित किया जाए, जिसके बाद वो भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है। बता दें कि एनडीए के पास 293 सीटें हैं, तो विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 234 सीटें। इस बार विपक्ष भी लोकसभा में काफ़ी अच्छी संख्या बल में है। स्पीकर का पद सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की ताकत का प्रतीक होता है। लोकसभा के कामकाज पर स्पीकर का ही कंट्रोल होता है और जिसके चलते यह पद और भी अहम बन जाता है। संविधान में स्पीकर के साथ ही डिप्टी स्पीकर के चुनाव का भी प्रावधान है, जो स्पीकर की गैर मौजूदगी में उसकी ड्यूटी को पूरा करता है। माना जा रहा है कि ओम बिरला को स्पीकर बनाने के साथ भाजपा के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर अभी साफ तौर से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी 24 जून से शुरू हो रहा है। यह सत्र करीब 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया के भी शुरू होने के आसार हैं। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।